आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए कोकोनट खीर की रेसिपी लाई हूँ। आप इस खीर को बिना व्रत के भी बना सकते हैं। अभी नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि में व्रत के लिए आप इस खीर को बनाएं। सुबह सुबह एक कटोरी खा लेंगे तो एनर्जेटिक खीर है, बहुत टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फटाफट से कोकोनट खीर को हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं कोकोनट खीर। आपने नारियल से नारियल के लड्डू, नारियल की बर्फी, कई तरह की मिठाई बनाई होगी, पर इस तरह से एक बार नारियल की खीर बना के देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ये मैंने एक नारियल लिया है कच्चा वाला, जिसे तोड़ लिया है और तोड़ने के बाद इसका पानी निकाल के इसे थोड़ी देर के लिए हवा में सूखने के लिए छोड़ दिया था। ये थोड़ा सा सूख गया है। अब हम ले लेंगे एक ग्रेटर और ग्रेटर में जो छेद सबसे बारीक होगा उस छेद से हम नारियल को ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसके बारीक बारीक लच्छे पड़ेंगे, तो हमें बारीक छेद से पूरे नारियल को ग्रेट कर लेना है। ये देखिए मैंने पूरे नारियल को ग्रेट कर लिया है। मैंने नारियल का छिलका नहीं निकाला है, छिलके के साथ ही ग्रेट किया है। अगर आप इसका छिलका निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। अभी इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। और ये लिया है मैंने एक छोटी कटोरी भर के मोरधन। इस खीर को हम नॉर्मली ऐसे भी बना के नाश्ते में ले सकते हैं या फिर इसे व्रत के लिए भी बना सकते हैं। तो मैंने एक कटोरी मोरधन लिया है जिसे छन्नी में डाल देंगे और इसे पानी डाल के धो लेंगे, जिससे जो भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। तो ये देखिए मैंने मोरधन को धो लिया है और धोने के बाद इसे मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है, जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा का पानी होगा वो निकल जाएगा। गैस पे पैन को रखेंगे और उसमें डाल रही हूँ मैं एक चम्मच घी। और जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा हम डाल देंगे ये मोरधन जो हमने धो के रखा था, और इसको थोड़ा सा घी के साथ अच्छे से भून लेंगे। इसे भूनते हुए फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। ये देखिए मोरधन को मैंने 5 मिनट हो गए हैं इसे अच्छे से भून लिया है। जब इस तरह से मोरधन अलग अलग हो जाए, जब हमने मोरधन को इसमें डाला था तो वो गीला था, अब जैसे जैसे हम इसे भूनते जा रहे हैं इसका पानी सूख गया है और ये अलग अलग सा हो गया है इसका दाना। तो ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें से जो भी पानी था पूरा सूख चुका है। हमें इसे थोड़ा सा ज़्यादा ही भूनना है, जितना अच्छे से भूनेंगे मोरधन उतनी जल्दी पकता है। अब मोरधन को हमने भून लिया है, अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। हमें इसमें उतना ही पानी डालना है जितनी मोरधन को पकने के लिए ज़रूरत होगी। जस्ट मैंने डबल डाला है, जिस कटोरी से मैंने मोरधन लिया था उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी डालना है। और अब इसको कवर करके हम पका लेंगे। देख लेते हैं मोरधन को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए मोरधन अच्छे से पक गया है, पूरा पानी सूख गया है। इसे हम इस तरह से दबा के देख लेते हैं। ये देखिए पूरी तरीके से मैश हो रहा है। ये मोरधन को इसी तरह से पकाना है जब ये पूरी तरह से मैश होने लगे। अब इसमें डाल देंगे दूध। ये खीर मैं 3 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, तो इसमें मैं 1/2 लीटर के करीब दूध डाल रही हूँ। दूध मैंने मलाई के साथ ही लिया है। और अब इसको मिक्स कर लेंगे। दूध के साथ मोरधन को मैंने अच्छे से मिला लिया है। और अब यहीं पर डाल देंगे नारियल का कीस, जो हमने गीले गीले नारियल को भी कीस के रखा था। मैंने उसे माप लिया है, मेजरिंग कप से मैं 1 कप इसमें डाल रही हूँ। अब मोरधन के साथ नारियल को भी अच्छे से मिला लेंगे। नारियल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, नारियल में भी एक अपना फ्लेवर होता है।
और अब इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, जितना मीठा आपको पसंद हो उतना आप इसमें ऐड करें। और अब इसको मिला लेते हैं। चीनी डालने के बाद ये खीर है जो थोड़ी सी पतली हो जाएगी। जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी ये खीर थोड़ी सी पतली हो जाएगी, तो इसे हमें थोड़ा सा और पकाना है। इस खीर को बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट में ये खीर बनके तैयार हो जाती है। ये देखिए खीर अच्छे से उबल रही है। अब इसमें डाल देते हैं फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो और थोड़ा सा जायफल। जायफल को पीस के डालना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी नारियल की खीर फटाफट से तैयार हो गई। इस तरह से आपने नारियल की खीर बनाई ना हो तो एक बार इस तरह से बना के ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे पकाते हुए 5 से 6 मिनट और हो गए हैं। अच्छे से मैंने इसे पका लिया है। पहले मोरधन को पकाया है, उसके बाद नारियल को डालने के बाद भी इसे मैंने 5 से 6 मिनट तक पका लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी ये खीर गाढ़ी हो गई है। तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और गर्मा गर्म इस खीर को सर्व करते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं नारियल के लच्छे, इसे अब सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी स्वादिष्ट लच्छेदार कोकोनट खीर बनके तैयार हुई है। इस नवरात्रि एक बार आप इस खीर को ट्राई जरूर कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये खीर आपको कैसी लगी। तो चलिए हम फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में।